हम शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दंतेवाड़ा से आपको बता रहे हैं, जहां 6 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। लोन वर्राटू यानी घर वापस आइए अभियान से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किया है। पुलिस की अपील का नक्सलियों पर असर पड़ रहा है। हिंसा का रास्ता छोड़कर लोकतंत्र और संविधान में इनका विश्वास है, इन नक्सलियों का कहना है। ये सरेंडर करने वाले नक्सली मलांगेर एरिया कमेटी में सक्रिय थे। लोन वर्राटू घर वापस आइए अभियान के तहत अब तक 180 इनामी नक्सलियों सहित कुल 799 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। दिनेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, लोन वर्राटू अभियान का असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि लोन वर्राटू अभियान का जो असर है वो सिलसिलेवार दिखता नजर आ रहा है। इससे पूर्व 18, 26 और 35 ऐसे लगा सिलसिलेवार बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, और इसी कड़ी में आज 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। देखा जा रहा है कि जो पुलिस लोन वर्राटू अभियान से के तहत लोगों में जागरूकता फैला रही है कि वो मुख्य धारा से जुड़कर अपना जीवन जी सके और नक्सली की विचारधारा को छोड़ें, और इस तरह से जो पुलिस का जो वो है अपील है वो दिखता नजर आ रहा है। पुलिस की अपील का जो वो असर हो रहा है, वो हिंसा की राह छोड़कर लोकतंत्र की संविधान में नक्सली के जो समर्थक वो विश्वास जता रहे हैं। ये आत्मसमर्पित जो नक्सली हैं, जो आत्मसमर्पण किए, ये सभी माओवादी नक्सल बंद के दौरान रोड खोदना, पेड़ काटना एवं नक्सली बैनर लगाना, पोस्टर लगाना, ऐसे तस्वीरों में जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है दिनेश, वो उनमें लड़कियां भी नजर आ रही है। क्या उम्र होगी इन लोगों की? देखिए, जो इससे पूर्व भी कई महिलाएं ने भी आत्मसमर्पण किया है। इन जो उम्र है इनकी 18 से 20 के बीच की बताई जा रही है, और ये जो नक्सली है ये गांव में ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं, जिससे ये पेड़ काटना या बम लगाना, इस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए इनका गांव वालों का उपयोग किया जाता है, और इनके झांसे में आकर ये गांव ग्रामीण, क्योंकि ग्राम में इनके पास बिल्कुल गुमराह करते हैं। और लेकिन अब ये लोग वापस आ रहे हैं, घर वापसी का अभियान लोन वर्राटू अभियान है, ये वापस आ रहे हैं, संविधान पर अपना विश्वास दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां महिला को क्रिकेट बैट से पीटने का वीडियो सामने आया है। महिला पर आरोप, जो महिला पर हमला करने का आरोप है वो पड़ोसी युवकों पर ही है। गाली गलौज महिला के साथ की गई, पत्थर फेंका गया। ये वीडियो देखिए, ये वहां लगे सीसीटीवी में ये फुटेज रिकॉर्ड हुई है, किस तरह पत्थर फेंक रहे हैं ये लोग महिला के ऊपर। और ये 3-4 लड़के हैं, इनमें से एक बैट से हमला करने की कोशिश करता है, वो रुक जाता है तो उसके साथ ही उसके हाथ से बैट छीन कर, देखिए बैट लेकर आगे आता है, मारने की बढ़ाता है लेकिन मारता नहीं है। दूसरा आता है तो वो उसके हाथ से बैट छीनकर महिला पर बैट से हमला कर देता है। फिर जो हाथ में पत्थर पड़ता है तो पत्थर मारता है, बैट फेंक कर मारता है, गाली गलौज होती है, और ये पूरा वाकया वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है। अब पीड़ित महिला ने पलार थाने में शिकायत की है। 5 मई का ये हमला बताया जा रहा है। अगली खबर जबलपुर से है, जहां डीजल चोरी के आरोप में ड्राइवर को पीटा गया है। ट्रांसपोर्ट कर्मियों पर बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है। प्लास्टिक पाइप से ड्राइवर को पीटा गया, पिटाई का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। तो ड्राइवर को ट्रांसपोर्ट कर्मियों ने पीटा है। जबलपुर की ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, और इस मारपीट का बाकायदा वीडियो भी इन लोगों ने बनाया और वीडियो को वायरल कर दिया। प्लास्टिक पाइप से ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा गया, चोरी के आरोप में ड्राइवर को पीटा है इन लोगों ने। ये बात निकलकर सामने आई है कि इन्हें शक था कि डीजल चोरी किया है ड्राइवर ने, और इसी के चलते ड्राइवर को बुरी तरह डंडे से मारा गया, प्लास्टिक पाइप से मारा गया, और पिटाई का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। जबलपुर में बमबाजी का मामला सामने आया। युवक ने पहले मंदिर में जाकर प्रणाम किया और फिर पास के घर में बम फेंक दिए। वो तस्वीरें भी सामने आ गई। देखिए, युवक ये मंदिर में प्रणाम कर रहा है और भगवान से प्रार्थना करने के बाद ये नजदीक के घर में जाता है, बम फेंकता है, एक के बाद एक 2 बम फेंकता है ये, और फिर वहां से भाग जाता है। गुंडा टैक्स और रंगदारी नहीं देने पर ये बम फेंके हैं
ये इस इलाके का बदमाश है आनंद ठाकुर, जिस पर बमबाजी के आरोप लगे हैं। फायरिंग की घटना, बम फेंकने की घटना वहां लगी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। बदमाश आए दिन यहां रंगदारी वसूलने के लिए लोगों को परेशान करता है। बात शहडोल की, जहां गैंगरेप के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उमरिया रीवा से इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के घर पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। 10वीं की छात्रा से गैंगरेप का आरोप लगा है। शहडोल के कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। खबर रीवा से, जहां गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 1 करोड़ का गांजा बरामद किया है। 500 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। ट्रक में छिपाकर ये गांजे की तस्करी कर रहे थे, तो 500 किलो गांजा पकड़ा है पुलिस ने। साथ ही 2 तस्करों को अरेस्ट भी किया है। 1 करोड़ का गांजा बरामद किया है। ट्रक में छिपाकर ये गांजे की तस्करी कर रहे थे। और उद्योग नगर जो है चोरहटा थाने के अंतर्गत, वहां पर एक ट्रक की जब्ती की गई है, जिसमें 5 क्विंटल गांजा पकड़ा गया है। और इसके पास से जो गांजा जब्त हुआ है उसकी जो है, और जो ट्रक है और जो पूरी कीमत है वो करीब 1.5 करोड़ रुपए है। अंबिकापुर से अगली खबर है, जहां स्कूटी सवार 3 लोगों के एक्सीडेंट के मामले में 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कार भी जब्त कर ली है। हत्या करने के इरादे से कार से स्कूटी सवार लोगों को टक्कर मारी थी। कार ड्राइवर ने आरोपी नवीन गुप्ता कार से कुचलकर स्कूटी सवार की हत्या करना चाहता था। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। तेज रफ्तार कार चलाते हुए गुस्से में आरोपी ने स्कूटी को टक्कर मारी थी। हादसे में स्कूटी चला रही महिला की सास और उसका मासूम बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कुछ दिन पहले आरोपी युवक के साथ महिला की सास का विवाद हुआ था। धमतरी से खबर है, घर के सामने खड़ी बाइक में आग लग गई। फायर ब्रिगेड कर्मी पहुंचते उससे पहले ही बाइक जलकर खाक हो गई। बाइक में आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। तो घर के सामने खड़ी बाइक को जलता देख लोगों ने फायर ब्रिगेड को भी बुलाया, लेकिन जब तक वो कर्मी पहुंच पाते तब तक बाइक जलकर खाक हो चुकी थी। नारायणपुर में नक्सलियों की कारियाना करतूत देखने को मिली, जहां नक्सलियों ने एक शख्स पर हमला कर दिया। उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया। ग्रामीण को मरा हुआ समझकर नक्सली वहां से भाग गए। ग्रामीण पर पुलिस का मुखबिर होने का शक नक्सलियों को था, इसीलिए उस पर हमला किया गया। घायल ग्रामीण को जवानों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। मंडला के निवास में शिक्षा विभाग में घोटाला देखने को मिला। करीब 52 लाख रुपए का घोटाले का खुलासा हुआ था। जांच में 3 करोड़ के करीब घोटाले का शक है। कंप्यूटर ऑपरेटर पर घोटाले का आरोप लगा है। मृत कर्मचारियों को जीवित बताकर वेतन के पैसे निकाले, अपने रिश्तेदारों के खाते में वेतन वाला पैसा डाल दिया। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर निवास जिला मंडला में हमारी टीम और हम लोग जो है लगभग 10 दिनों से जांच कर रहे हैं। जांच में जो अभी सबूत समझ में आया है, यहाँ पर शासकीय राशि का गबन किया गया है। अप्रॉक्सीमेटली ये 52 लाख के आसपास अभी हो गई है। जो कर्मचारी की मृत्यु हो गई है, मृत्यु होने के बाद भी उसकी बात छतरपुर की, जहां जिला अस्पताल में हंगामा हुआ है। इलाज कराने आई महिला ने हंगामा किया है। महिला ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। हंगामा करते महिला का ये वीडियो सामने आया है। हंगामा क्यों किया ये तो साफ वजह नहीं हो पाई है, लेकिन अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। धार में 2 ट्रकों की टक्कर हो गई, जिसमें क्लीनर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ड्राइवर घायल है। ट्रक का टायर फटने से दुर्घटना हुई थी।
धार थाना क्षेत्र के पलासी गांव का ये मामला है। क्लीनर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, ड्राइवर जख्मी बताया जा रहा है। जबलपुर में संदिग्ध हालत में नर्स की मौत हो गई। फांसी के फंदे से झूलती मिली लाश। पति और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा था। पति पत्नी में चरित्र शंका को लेकर विवाद होता था। पीएम के लिए शव को भेजा गया, जांच कर रहे हैं। खंडवा में प्राइवेट फाइनेंस बैंक के कर्मचारी से लूट का मामला सामने आया है। कर्मचारी से 1.5 लाख रुपए लूटे गए। कर्मचारी पर चाकू से वार किया गया। पांजरिया सिलोदा के बीच लूट की वारदात देखने को मिली है। मामले की जांच कर रही है पुलिस। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप की चर्चा जोरों पर रहती है। कांकेर में भी इसी तर्ज पर betonly777.com ऐप पर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार जोरों पर है। लोग इस ऐप के जरिए आईपीएल में जमकर सट्टा लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले स्वास्तिक ऐप के जरिए भी क्रिकेट मैच में सट्टा लगाया जा रहा था। अभी तक इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा माध्यम है जो जो मोबाइल के माध्यम से व्यक्तियों के द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो किसी व्यक्ति के मोबाइल को आइडेंटिफाई करना और उस पर पुख्ता उसमें पूरी जानकारी मिलना, ये थोड़ा कठिन काम है। और लेकिन फिर भी इसमें प्रयास लगातार जारी है और शीघ्र ही कोई ना कोई इसमें सफलता हमें जरूर मिलेगी। छत्तीसगढ़ बोर्ड के रिजल्ट कल जारी होंगे। कल जारी होंगे 10th और 12th के नतीजे। कल दोपहर 12:30 बजे रिजल्ट आउट होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभागृह में जारी किए जाएंगे परिणाम। माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष रेणु पिल्ले परिणाम घोषित करेंगे। आचार संहिता की वजह से इस बार शामिल नहीं होंगे शिक्षा मंत्री। माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव पुष्पा साहू ने इस बात की जानकारी दी है।